हाय फ्रेंड्स, मैं अपने चैनल आईटेक क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम सीखेंगे इंसर्ट माउस मूव कमांड का यूज ऑटोमेशन एनीवेयर में। दोस्तों, इंसर्ट माउस मूव कमांड का यूज हम माउस के मूव को एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन में मूव करवाने के लिए यूज करते हैं। मान लीजिए हमें कहीं रिक्वायर्ड है कि हमारे माउस को स्लाइटली कहीं पे लेफ़्ट टू राइट या राइट टू लेफ़्ट कहीं पे मूव करवाना हो, अप से डाउन, डाउन से अप, लेफ़्ट टू राइट कैसे ही मूव करवाना, तो उस केस में हम इंसर्ट माउस मूव का यूज करते हैं। तो ये दोस्तों एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं इंसर्ट माउस मूव का यूज कैसे करते हैं और ये काम कैसे करता है। तो इसके लिए दोस्तों हम इंसर्ट माउस मूव कमांड को अपने टास्क एडिटर में ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे हमारे पास कुछ कंपोनेंट्स है, माउस मूव फ्रॉम, माउस पोजीशन फ्रॉम, माउस पोजीशन टू, मतलब माउस को हमें कहाँ से कहाँ तक मूव करवाना है उसके लिए यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा, मतलब फ्रॉम से टू का हमें यहाँ पे सेलेक्ट करवाना पड़ेगा। और एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन में मूव करवाने के बीच अगर हमें कुछ टाइम चाहिए, डिले लगवाना, तो उसके लिए हम डिले मिली सेकेंड का यूज़ कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों यहाँ, और दोस्तों एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा कि इंसर्ट माउस मूव किसी पर्टिकुलर विंडो पे, किसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन पे या किसी पर्टिकुलर वेबसाइट पे काम नहीं करता। जो भी एप्लीकेशन एक्टिव हो, इनेबल्ड हो, उसी पे ये काम करता है। इसीलिए यहाँ पे हमें कोई भी विंडो सेलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं दिया जाता है। तो आइए दोस्तों ट्राई करते हैं और देखते हैं इसे काम कैसे करता है। तो इसके लिए कैप्चर पर क्लिक करेंगे। कैप्चर पे क्लिक करते वक्त दोस्तों आपको लेफ्ट बटन प्रेस हमेशा प्रेस करके रखना है, आप उसे छोड़ना नहीं, क्योंकि अगर आप प्रेस करके रखोगे और उसके कहाँ से आपको पोजीशन से मूव कराना है, पोजीशन को सिलेक्ट करना है। तो ये दोस्तों जैसे मैंने कैप्चर पे क्लिक किया, अब मुझे यहाँ से मूव करवाना है। अब टू में कहाँ तक मूव कराना, तो यहाँ पर टू को सिलेक्ट करके कैप्चर टू पर आके यहाँ पर मैंने टू पर सिलेक्ट कर लिया यहाँ पर। तो अब ये पोजीशन मूव हो जाएगा एक जगह से दूसरे जगह तक। तो आइए मैं सेव करके टास्क रन करता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए माउस मूव कमांड का यूज। देखिए दोस्तों, मैं अपने माउस को यहाँ पे रख रहा हूँ। देखिए मूव होके अपना राइट साइड चला जाएगा, मैंने हाईलाइट किया था। देखिए दोस्तों, ये मूव होके अपने राइट साइड आ गया है। इस तरह से आप अपने माउस के कर्सर को लेफ़्ट टू राइट, राइट टू लेफ़्ट, डायगोनली कहीं पे भी मूव करवा सकते हैं, अप डाउन, डाउन अप कहीं पे भी मूव करा सकते हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको इंसर्ट माउस मूव कमांड का यूज अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई क्वेरी है, डाउट है, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन पर पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।